अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो के माध्यम से बताएंगे कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट खबर। दोस्तों, वायरल खबरों को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता दें कि इजराइल के दक्षिण एरिया और क्षेत्र से एक बड़ी खबर आ चुकी है, जहां पर अपडेट किया गया है और कहा गया है कि लगभग 5000 रॉकेट दागे गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि 50 लोगों की अभी तक मौत भी हो चुकी है और 50 इजरायली सैनिक को बंधक भी बना लिया गया है। मतलब यही है कि पूरा का पूरा जो देश है उस पर कब्जा करने के लिए, जो इजराइल है उस पर कब्जा करने के लिए जो देश है वो पूरी तरह से अभी हावी हो चुका है। अब यहां पर बताते हैं कौन से देश ने अभी इजराइल पर हमला किया है। दोस्तों, इजराइल का समर्थन करने के लिए कई देश सामने आए थे, लेकिन फिर भी यहां पर जो लड़ाई है वो नहीं थमी है और आज सुबह सायरन बजा और काफी ज्यादा मात्रा में लोग धावा बोल चुके हैं, काफी ज्यादा मात्रा में रॉकेट दागे गए हैं, कई जगहों में गाड़ियां भी जला दी गई हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि हमास देश ने इजराइल पर पूरी तरह से हमला बोल दिया है और यह एक बहुत ही बुरी खबर मान सकते हो। दुनिया पर काफी बड़ा एक तरह से संकट आ चुका है, कई देश की करेंसी भी गिर सकती है। मतलब अब जो सेंसेक्स है उसमें उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। मतलब अब यहाँ पर काफी ज्यादा जो सिस्टम है उसमें बदलाव होने वाला है, पूरा का पूरा देश उस पर कब्जा होने वाला है हमास का, जो इजराइल देश है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि इजराइल के पीएम ने एक वीडियो भी हमले के बाद जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे दुश्मन को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसका मतलब यही है कि अब पूरी तरह से इजराइल भी तैयार है हमास से लड़ने के लिए। दोस्तों, अगली खबर एक बहुत ही बड़ी खबर है। अगर आप सऊदी अरब के अंदर रहते हो या सऊदी अरब में जाना चाहते हो, किसी भी देश से हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि चाहे वो आपका अनुबंध हो या किसी भी तरीके से आप अगर कानून के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करते हो, जैसे कि अगर कोई भी जो कानून है उसमें नहीं लिखा है उसके विरुद्ध अपने कारगर को छोड़ देते हो, या किसी भी तरीके से आप छूट पाते हो और सऊदी अरब के अंदर गलत कार्य करते हो, तो आपके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके कपिल के पास में कोई भी बकाया राशि है तो उसका आप हकदार हो, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सऊदी अरब में अगर अदालत के अंदर कोई भी केस ले जाते हो 12 महीने बीत जाने के बाद में, तो उसका आपको कोई बहाना बताना होगा। मतलब 12 महीने के बाद में अगर कोई भी केस करते हो तो। इसके अलावा जो अपडेट सऊदी हुकूमत की तरफ से दिया गया है उसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई भी सऊदी अरब में नियोक्ता अब 21 साल से कम उम्र के आदमी को नियुक्त करता है, मतलब काम पर रखता है, तो उसके ऊपर 20,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, इस कानून के बारे में आप क्या कहेंगे और इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।